गांधी शिव है, शिव के अवतार है, ठीक है ना। राहुल गांधी शिव है, शिव के अवतार है, भगवान भोले शंकर, भोले भोले भंडारी है। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम वजेयम। आप राहुल गांधी, राहुल गांधी हमारे अविनाशी हैं जी, राहुल गांधी हमारे अविनाशी हैं। लोगों के दर्दों को समझते हैं, पार्लियामेंट में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ महिलाओं की जो इज्जत लूटी जा रही है, आबरू लूटी जा रही है, उस पर राहुल गांधी जवाब मांगते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के सारे जवाबों को देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो इस सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। बुद्धि तो समझती है ना, जिसे समझ ना हो बोलने की ना समझ हो। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, भारत की जनता कहना चाहती है कि इस समय प्रधानमंत्री जी युवा अवस्था में हैं, तो अपनी जैसी बुद्धि जो है हमारे विपक्ष के लीडर माननीय श्री राहुल गांधी पर थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी देश का हीरो है, राहुल गांधी जन जन का विश्वास है, राहुल गांधी जन नायक है। जन नायक की उपाधि ऐसे नहीं मिल गई राहुल गांधी को। पूरा देश भ्रमण किया, लोगों को दर्दों को समझा, लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं को गले लगाने का काम किया। और ये जो महंगाई आपने चारों तरफ व्याप्त कर रखी है, इस महंगाई से लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आप जो है राहुल गांधी पे टिप्पणी करते हो, आपका कैबिनेट राहुल गांधी पे टिप्पणी। अरे राहुल गांधी जी से ही आपकी रोजी रोटी चलती है। अगर राहुल गांधी ना हो ना, तो आपकी रोजी रोटी चलना बंद हो जाए। आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं, जैसे ही मोदी जी सच्चाई बोलते हैं आप लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और निकल जाते हैं बाहर। कम से कम जो 2024 की पार्लियामेंट बनी है, कम से कम राहुल गांधी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री उठ उठ के खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं, पानी पी पी करके जवाब दे रहे हैं। तभी तो हमारा विपक्ष का लीडर है माननीय श्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री को उठा दे रहा है कुर्सी पर से। माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, महिलाओं पर जवाब दीजिए, बेरोजगारी पर जवाब दीजिए, किसानों जो किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि किसानों के MSP पर जवाब दीजिए। जो 16 लाख करोड़ रुपया ये पूंजीपति लेके भाग जाते हैं, क्या हमारा किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? आ रहे हैं किसान भाई हमारा दिल्ली घेरने, आ रहे हैं किसान भाई हमारा दिल्ली घेरने। जब तक MSP नहीं लेंगे हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, जब तक किसानों का कर्जा नहीं माफ होगा हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल हो गया, RSS हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। क्यों राहुल गांधी माफी मांगे? राहुल गांधी से तो आपका पूरा कैबिनेट माफी मांगे। राहुल गांधी असली हिंदू हैं जी। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी हिंदू, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, हिंदू हो ही नहीं सकते। जो हिंदू होगा उसके अंदर इंसानियत होगी, उसके अंदर दयालु भाव होगा। इंसान जो दयालु भाव होगा, जो हिंदू होगा उस जो है सब लोगों को आश्रय देने का काम करेगा। पहले मुसलमानों को बांटते थे, अब हिंदुओं को बांट देंगे दो भागों में? मोदी जी दयालु नहीं है क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी कभी दो भागों में बांटने का काम नहीं करती, कांग्रेस पार्टी कभी नफरत फैलाने का काम नहीं करती, कांग्रेस पार्टी हमेशा मोहब्बत बांटने का काम करती है, भाईचारा बांटने का काम करती है। और प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा कैबिनेट सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये करके देश जो देश विकसित नहीं हो सकता, देश स्वर्ण भारत नहीं बन सकता। भगवान का, भगवान का राहुल गांधी कभी अपमान नहीं करते। राहुल गांधी बोले बाबा, अरे भाई राहुल गांधी शिव है, शिव के अवतार है, ठीक है ना। राहुल गांधी शिव है, शिव के अवतार है, भगवान भोले शंकर, भोले भोले भंडारी है। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम वजेयम। आप राहुल गांधी, राहुल गांधी हमारे अविनाशी हैं जी, राहुल गांधी हमारे अविनाशी हैं। लोगों के दर्दों को समझते हैं, पार्लियामेंट में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ महिलाओं की जो इज्जत लूटी जा रही है, आबरू लूटी जा रही है, उस पर राहुल गांधी जवाब मांगते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के सारे जवाबों को देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो इस सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा जी, तो इसका मतलब कि मोदी का कैबिनेट खत्म होने लगा है क्या? आपको कांग्रेस को बताया? नहीं नहीं, मोदी का ही कैबिनेट खत्म होने लगा है, आपने नहीं सुना? उत्तर प्रदेश में क्या चलने लगा है? योगी का खत्म किया जा रहा है, ठीक है ना, और भाजपा के बड़े बड़े लीडरों को खत्म किया जा रहा है। पहले आपके यहाँ चमगादड़ जो बैठे है ना, उनको सुधारने का काम करिए। राहुल गांधी तेजस्वी पुरुष है, और तेजस्वी पुरुष कभी थमने वाला नहीं है, कभी रुकने वाला नहीं। कांग्रेस भस्मासुर है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अच्छा जी, तो बीजेपी के नेता कोई भस्म हो गए क्या? हमको लग रहा है अयोध्या हार गए तो भस्म हो गए क्या? जिस अयोध्या में राम भगवान के नाम पे वोट मांगा गया, राम भगवान ने असुरों को समाप्त करने के लिए सजा दिया है, भगवान हमारे
आदिनाथ भगवान विष्णु वहाँ से भी हरा दिए, जिसके अवतार बनते थे, कभी चौकीदार का अवतार, कभी भगवान विष्णु का अवतार, कभी राम का अवतार, कभी दाढ़ी वाले का अवतार। अवतारों से देश नहीं चलता, देश चलता है अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था भारत की चरमरा गई है आज जो है। शंकराचार्य जी पूछ रहे कि जो केदारनाथ में सोना था इतना किलो, तो कहाँ चला गया? अब दो कुंटल 28 किलो सोने का गमन कर लिया। हाँ। इसलिए इन्हें पता था, बनना दीजिए उत्तराखंड में सरकार। हाँ। एक एक इंक्वायरी कराएंगे। हाँ। और हमारे भोलेनाथ का जो सोना चुराया है ना। हाँ। उस सोने को बरामद करेंगे और भगवान शिव के मंदिर में फिर से वो सोना हम लगवा कर छोड़ेंगे। जाएंगे ना आगे कोई ना भैया, जिसकी सरकार है वो निकलवाएगा। हाँ। हमारे शंकराचार्य राष्ट्रपति हैं। हाँ। शंकराचार्य के निगरानी में सोना लगा। अगर सोना गायब है, अगर असली प्रधानमंत्री हैं, असली गृह मंत्री हैं, तो हमारे मंदिरों का सोना लाने का काम करें। मंदिर बनाते हैं ना, क्यों चोरी करेंगे? हाँ, मंदिर बनाते हैं। अरे भैया, कॉरिडोर ही बना, कितनी पुस्तनी चीजें गायब हो गई। हाँ। हमारा सोना गायब हो गया, हमारी देश की धरोहरें गायब हो रही हैं। इस तानाशाह शासन ने 10 साल हमारे कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेचने का काम किया। ठीक है ना, देखे ना, जगन्नाथ मंदिर में इतना सोना निकला कि जो अधिकारी वहाँ पे चेक कर रहे हैं सब बेहोश हो गए। भैया, आज के जमाने में मंदिरों में ही सोना है, और वो मंदिरों से पहले तो मुगलों ने शासन किया। हाँ। पहले तो मुगलों ने चोरी की। हाँ। और हमारे देश की अमानतों को लूट ले गए। अब ये 10 साल से ये बैठे हैं कि तीसरी सत्ता है, अब की तो जहाँ जहाँ देखेंगे मंदिर में सोना है सब गायब हो जाएगा, देश कंगाली के रास्ते पे होगा। मैंने कहा था अपने बचनों में कि कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इस शासन में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को न्याय नहीं है। अभी देखते जाइए, चैनल वालों आप भी मैसेज देने का काम करिए प्रधानमंत्री को, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हाथ में कटोरा होगा, भारत की जनता त्राहि त्राहि करेगी। धर्म कर्म से राजनीति बना रहे तीसरी अर्थव्यवस्था। अरे भैया, ये बना लेना, इनके तो सब जुमले हैं। हाँ। इनका तो भारत का पैसा बताइए 16 लाख करोड़ रुपए में तो हमारे भारत के लोग जो है खुशहाली मनाते हो। 16 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीपति लेके भाग जाते हैं हमारे। राहुल गांधी तो बालक बुद्धि तो है ना, तभी तो अंबानी जी के यहाँ अनंत अंबानी की शादी में नहीं गए, मोदी जी गए आखिर। अरे भैया, मोदी जी का पुराना घराना है। हाँ, अडानी का घराना पुराना है, अंबानी का। हाँ, जियो का रिचार्ज बढ़ा करके शादी कर रहे हो, चाहे 1000 करोड़ की शादी करो जी। हाँ। हमारे गरीब हमारे पैसे से शादी कर रहे हो, जनता के पैसे से शादी कर रहे हो। हमारे राहुल गांधी समझदार व्यक्ति हैं। आपको भी घड़ी मिल जाती, कितनी महंगी तो घड़ी नहीं है। अरे भैया, हमें मोदी जी की घड़ी नहीं चाहिए, गरीब का खून। हाँ, हमें जो है अंबानी जी की घड़ी नहीं चाहिए। गरीबों का खून चूसना बंद करें, युवाओं का खून चूसना बंद करें। ये जो मोबाइल दे दिए है ना जियो फ्री में, आवाज जो जियो का रिचार्ज बढ़ा करके कर लिए ना। पोर्ट करा ले। अरे पोर्ट नहीं, 5G आएगा, 2G आएगा, 6G आएगा, इनका आता रहेगा। पूंजीपतियों का झोली भरेगी, गरीब आदमी कंगाल ही रहेगा। तो रहे, गरीब खत्म कर देंगे। हाँ, मोदी जी खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं खत्म कर पाएंगे। अब की हमारा राहुल गांधी पार्लियामेंट में। हाँ। पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी घेरेगा। हाँ। एक एक मुद्दे को प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, एक एक मुद्दे पे। बंद कर तो दिया जाता है माइक, क्या बात? अरे माइक बंद, देश की जनता देख रही है कि शेर ललकारता है। आज जन जन की आवाज राहुल गांधी है। मुद्दा भी तो हटा दिया ना सदन से। देखिए, कुछ भी हटा लें। हाँ। अब विपक्ष इतना मजबूत है, अब इनके तोते नहीं चलेंगे, अब विपक्ष इनको रोडों पे लाके खड़ा कर देगा। ये बैसाखी की सरकार है, किसी समय बैसाखी गिरेगी और सरकार भी गिरेगी। आप बोल रहे हो राहुल गांधी हर गरीब के साथ है, तो अंबानी भी तो इस देश के नागरिक है, उनके शादी में क्यों नहीं गए? किसके साथ? अंबानी के साथ क्यों जाएं जी? अंबानी के शादी में जैसे राम मंदिर का जो है बढ़िया राज तिलक करा रहे थे, वैसे अंबानी के यहाँ गए हैं। राहुल गांधी गरीब के यहाँ जाएंगे, राहुल गांधी गरीबों का दर्द बांटने का काम करेंगे, राहुल गांधी अमीरों को नहीं जाएंगे, अमीरों का जो है खुशहाली बांटने नहीं जाएंगे, गरीबों का दुख बांटने जाएंगे। अभी जो है हमारे राहुल गांधी अलीगढ़ गए थे, हमारे राहुल गांधी मणिपुर गए थे, जहाँ दर्द होगा वहाँ राहुल गांधी हैं।